नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के यहाँ पर पुरानी कमेटी के बिल्कुल सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये टूटी फूटी ई रिक्शा आपको दिखाई दे रही होगी। ये साथियों, ई रिक्शा को बेसारा सांड ने तोड़ा है, सीधी टक्कर मारी है और आपको यहाँ पर सड़क पर कांच ही कांच नजर आ रहे होंगे। आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से इस ई रिक्शा पर सीधा सांड आकर पड़ा है। सीधा सांड आकर यहाँ पर सीधा ई रिक्शा के ऊपर कूद कर पड़ गया और ई रिक्शा पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डाका डाला है सीधा सांड ने, बेसारा सांड ने यहाँ पर डाका डाला है। और उसके बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो जाते हैं और उसको ये दे सकते हैं हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी भाई साहब? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। कोई सवारी भी थी क्या? सवारी थी। चलो चलो हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। आसपास कौन मौजूद थे? आप थे क्या? ना मैं तो अभी आया हूँ, जस्ट अभी आकर के देखा है, मैंने कि एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, इसलिए मैं तो रुक गया। मैं कोई हेल्प हो तो इस चक्कर में ना, तब चक्कर के रुके था हम। आसपास कोई मौजूद था क्या? यहाँ पर कोई था? यहाँ पर मौजूद था क्या कोई यहाँ पर आसपास? आप थे जी यहाँ पर? तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। और सिरसा शहर में यहाँ पर बेसारा पशु दिन प्रतिदिन घूमते हुए नजर आते हैं और हर सड़क पर, हर चौक चौराहे पर, हर कोने पर यहाँ पर बेसारा पशु सांड घूमते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ लोग गाय का दूध निकाल कर गाय को भी बेसारा छोड़ देते हैं, उसकी वजह से आज बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक ई रिक्शा है, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, सांड सीधा ई रिक्शा पर कूदा है। भाई साहब, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये देखो भाई साहब, ये तस्वीरें देखो, यहाँ पर कांच ही कांच नजर आ रहे हैं आपको। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर शीशे ही शीशे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा के ऊपर सीधा सांड कूदा है। ई रिक्शा पर सीधा सांड कूदा है, उसके बाद में ई रिक्शा चलाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो जाते हैं, सड़क से नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दिया जाता है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। आप यही मौजूद थे जी? नहीं थे आप? अच्छा, सांड घूमते हैं, क्या कहना चाहोगे? तो अभी खड़े थे यहाँ, अभी खड़े थे, आसपास लोगों को देखकर चले गए होंगे। साथियों, हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक अरोड़ा। हाँ जी, सांड घूमते हैं बेसारा पशु। बुजुर्ग बंदे, गरीब बंदा, ये करवाए कोई सलवा था, बच गए, नहीं तो टूट जाती छाती छुती। गरीब आदमी का नुकसान हो गया भाई साहब? हो गया जी, बहुत हो गया जी। कम से कम 20-30 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया गरीब आदमी का। ज्यादा का हो गया? ज्यादा का हो गया, बिल्कुल ज्यादा का हो गया। 40-50 हज़ार रुपए का इतना तो है ही है, सारी सारी वही टूट गई, चेसी टूट गई अगले की, क्या करें। साथियों, इस चीज का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आखिरकार बेसारा पशु सिरसा शहर में घूम रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये काल का रूप धारण करके घूम रहे हैं, कभी किसी को टक्कर मार देते हैं, कभी किसी को टक्कर मार देते हैं, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए। नगर परिषद आखिरकार क्या कर रही है? एक दो दिन अभियान चलाती है, खाली ड्रामे करती है और ड्रामे कर कागजों को भरती है और पैसे खाने का काम करती है। जमीनी स्तर पर साथियों कुछ नहीं हो रहा, जमीनी स्तर पर ये हो रहा है, ये देखो ये हाल हो रहा है। जमीनी स्तर पर सांड आते हैं, आकर किसी को टक्कर मारते हैं और टक्कर मारकर किसी को घायल करते हैं और चले जाते हैं। ये आज की हालात है, ये सिरसा की हालात है। आप सिरसा शहर में कहीं भी जाओगे, पूरी सड़कें, पूरी गलियां सांडों से और गौ माता से भरी पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर सांड और गौ माता को संभालने वाला कोई नहीं है। प्रशासनिक दावे फेल है, सारा सिस्टम फेल है। एक गरीब आदमी का आखिरकार इतना नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? अब गरीब आदमी करे तो क्या करे, आखिरकार जाए तो कहां जाए? एक गरीब आदमी का 40-50 हज़ार रुपए का नुकसान हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक नन्ना मुन्ना बच्चा यहां पर खेल रहे थे, आपने देखा, क्या देखा आपने? हमें एकदम से आवाज आई तो हम भागे भागे आए, तो हमने देखा यहां पर एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने हमने पता करा कि कैसे हुआ, तो सांड एकदम से बीच में आ गया था, फिर एकदम से गिरे, वो अंकल को भी चोट लगी और पीछे जो सवारी बैठी थी, अंकल गिरे भी हुए थे यहाँ पे, दोनों अंकल यहाँ पे गिरे भी हुए थे, फिर उन्होंने आगे से चका, शीशे में गिरे, वो भी शीशे पे गिरे यहाँ पे, उन्होंने फिर हमने चका भी हुआ था, अंकल ने चका था, हम देखा तो एकदम सवार जाए तो एकदम से भाग के आए हम।
यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, हाथ में ये दे सकते हैं इनके दस्ताने हैं, यहाँ पर ये क्रिकेट खेल रहे थे, इनको जैसे ही आवाज आई इन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर आप दे सकते हैं किस तरीके से सांड है, सांड ने सीधी ई रिक्शा को टक्कर मारी, ई रिक्शा के टक्कर मारते ही ई रिक्शा की हालत दे सकते हैं चूर चूर पूरा कचरा हो गया है और बुजुर्ग आदमी सड़क पर गिर गया और सड़क पर गिरने के बाद में उसकी हालत है वो आप देख सकते हैं, उनको चोट आई और उसके बाद में उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कुछ कहना चाहते हो भाई साहब? सर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है? कैसे हुआ छोड़ दे यार तने बेरो ही कोनी फेर। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।